दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरत अदाओं से मशहूर हुई अभिनेत्री कैटरीना कैफ आज किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। इन्होंने काफी कम समय में और कम उम्र में कामयाबी हासिल की है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वहीं कैटरीना कैफ अपने ओपनिंग करियर में एक के बाद एक हिट फिल्में देकर पॉपुलर स्टार की लिस्ट में शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब कैटरीना कैफ को अच्छी फिल्में नहीं मिलती थी। उन्होंने बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए सीक्रेट जैसी फिल्मों में काम किया है। इसी के बदौलत आज वो बॉलीवुड में राज कर रही हैं। इसीलिए आज हम आपको हमारी इस वीडियो में कैटरीना कैफ की उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप किसी न किसी वजह से सिर्फ अकेले में ही देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर लें। नंबर 1, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों जब गाना सेनोरिटा सुनाई देता है तो फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की याद आ जाती है, जिसमें बेहतरीन स्टार कास्ट होने की वजह से ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म की दमदार स्टोरी के साथ ही इसमें कई इंटीमेट सीन भी थे, जिसकी वजह से कैटरीना कैफ काफ़ी ज़्यादा विवादों में फंस गई थी। इसके साथ ही ऋतिक रोशन के साथ इनके कई सारे आपत्तिजनक सीन्स थे। इसके बाद से ही ये दोनों काफ़ी समय तक सुर्खियों में बने रहे थे। नंबर 2, राजनीति। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म राजनीति, इस फिल्म में कैटरीना कैफ ने अपने दमदार अभिनय का प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी। इस फिल्म में कैटरीना कैफ ने अर्जुन रामपाल के साथ किसिंग सीन दिए थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी विवादों में फंस गई थी। और अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे गलती से भी अपनी फैमिली के साथ देखना मत। नंबर 3, फितूर। दोस्तों साल 2016 की सबसे फ्लॉप फिल्म फितूर थी, जिसे देखने के बाद दर्शक निराश होकर सिनेमा घर से बाहर निकले। इस फिल्म की स्टोरी में कुछ खास दम नहीं होने की वजह से ये फिल्म बिल्कुल फ्लॉप गई। नंबर 4, बार बार देखो। साल 2016 में आई कैटरीना और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो, फिल्म को देखना दर्शकों के लिए काफी नुकसानदायक होगा। इस फिल्म को देखने का मतलब है अपना टाइम खराब करना। नंबर 5, बूम। बॉलीवुड में कदम रखने के लिए कैटरीना ने कुछ गंदी फिल्मों का सहारा लिया था, जिसमें से एक फिल्म है बूम। कैटरीना ने इस फिल्म के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इनके उम्र के दुगने अभिनेता गुलशन ग्रोवर के साथ इन्होंने हद से ज्यादा किसिंग सीन दिए थे। और इस फिल्म में कैटरीना ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे, जिसकी लोगों ने काफी निंदा की। और इस फिल्म को परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी मजेदार अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।